Good morning to all of you. Once again, we have come here to attend our sixth class English Reader, subject English. Tarot reading. Yesterday, we have already discussed that Tarot's parents, they were very honest. Father was very honest. Father disclosed मतलब किसी चीज का राज खोलना, he disclosed the secret that where his child has got sick, कि उनका बेटा वो जो राइस सूप था वो कहां से लाया. So the neighbor spread the news, the whole village, the news spread like a फायर फॉरेस्ट, जैसे जंगल में आ गई ऐसे खबर फैल गई. मोस्ट ऑफ द नेबर्स, दोज हु वर पुअर हु कुड नॉट परचेज सेक, वो गरीब जो उनके आसपास रहते थे जो सेक नहीं खरीद सकते थे, दे वॉन्टेड अ सेक, अ सूप, राइस सूप फ्रॉम हिज फादर, टेरोस फादर. दे मेड अ प्रोसेशन, कलम देखा था, प्रोसेशन मीन्स लाइक क्यू, एक जैसे कतार में चलना, रूप बना के चलना, प्रोसेशन लाइक अ बारात. दे मूव इन टेरोज हाउस, फादर गेव ईच एंड एवरी पर्सन, फादर गेव ईच एंड एवरी पर्सन से टू द ऑल लेडी, जिन जिन को जरूरत थी उनको वो अर्न, बिकॉज ही केम फ्रॉम द किचन, वो किचन से लाया था ना खूब सारा भर के. नाउ फ्यू वॉन्टेड दैट, उसमें से कुछ लोग चाहते थे, फ्यू वॉन्टेड दैट फ्रॉम वेयर चाइल्ड हैज गॉट, टेरो फ्रॉम वेयर चाइल्ड हैज गॉट दिस सेक विदाउट मनी. सो दे वॉन्टेड टू सी, वो चाहते थे कि एक बार हम इसको देखें कि ये बच्चा कहाँ से लाया. दे मूव्ड नियर द हिल साइड, दे मूव्ड नियर द फॉरेस्ट, वो जंगल में गए, जंगल के पास गए, वहां उन्होंने देखा. वन फेलो वॉज देयर, उसने एक आदमी था, ही नाइट, उसने अपने घुटने मोड़े एंड ही मेड अ कर्व्ड बाउल, उसने अपने हाथ को ऐसे बाउल जैसे बना के, व्हेन ही एंटर्ड हिज हेड और माउथ इनटू द वॉटरफॉल, देयर वॉज अ वॉटर, देयर वॉज ए वॉटर, उसके अंदर पानी निकला, जबकि था क्या सेट, एवरीबडी वॉज muttering, the word itself muttering, budbudana ya fusfusana. धीरे धीरे बोलना. Another synonym is whispering or murmuring. Whisper, whispering or murmuring. Budbudana, fusfusana. So their anger was muttering, उनका जो गुस्सा था ना जोर से नहीं था, मन ही मन था, and they were disappointed, they were disappointed, वो बहुत दुखी हुए, disappointed में दुखी हुए, निराश. वो सोच के आए, वो ये सोच के आए थे कि उन्हें खूब सारा सेक, राइस सूप पीने को मिलेगा, but it was water. So पेज नंबर 11, फर्स्ट पार्ट. मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटेड द विलेजर्स क्राइड, लेफ्ट द प्लेस, विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस, विलेजर्स वहां से चले गए, लेफ्ट छोड़ना, लीव लेफ्ट, लेफ्ट सेकंड छोड़ गए. वंस मोर टेरो कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स, उनके बोलने के बाद जब वो बोल के गए कि कोई इसमें राइस सूप नहीं, ये तो सिर्फ पानी है, टेरो वाज सरप्राइज्ड, उसको आश्चर्यचकित हुआ कि मैंने तो सूप लिया, ये फिर पानी कैसे आ रहा है. तो वंस अगेन, वंस मोर, फिर से एक बार फिर, टेरो कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड, उसने अपने हाथ में थोड़ा सा वाटरफॉल का जो पानी लिया एंड पुट इन हिज लिप्स, उसने अपने होंठों को लगा लिया. व्हेन ही सिप्ड, जैसे ही उसने घूंट पिया, वो इट्स नॉट अ वाटर, इट्स अ सेक, वो पानी नहीं था, वो राइस का सूप था, जबकि दूसरों के लिए वो पानी और बच्चे के लिए वो राइस है, राइस सूप.
द थॉटफुल सन. सी दिस इज द मैसेज, रिमेंबर, टू द थॉटफुल सन. थॉटफुल सन मींस अ सन हु केयर्स फॉर देयर पेरेंट, अ सन हु लव्स टू हिज पेरेंट, अ सन हु नीड्स कंफर्ट टू देयर पेरेंट्स. वो बच्चा थॉटफुल कहलाता है जो अपने पेरेंट्स को हमेशा खुश देखना चाहता है, उनके लिए काम करता है, उनकी बातें मानता है, उनको कंफर्ट जोन में लाता है, उनको आराम देता है. सो दैट वर्ड इज नोन एज थॉटफुल सन. सो थॉटफुल सन मींस अ सन, राइट, हु गिव कंफर्ट टू देयर पेरेंट्स. गिव कंफर्ट, और अ चाइल्ड हु गिव्स कंफर्ट to their parents or take care of their parents. Take care of their parents. So the Japanese folktale said, ये जापानी जो जापान के लोग कथा ये कहती है कि ओरो के लिए तो वो वाटरफॉल पानी था, लेकिन thoughtful son के लिए, किसके लिए? Thoughtful son. Who was the thoughtful son? Correct. Hero was the thoughtful son. Thoughtful son के लिए that water changed, converted into rice soup. वही पानी उस बच्चे के लिए rice soup बन जाता है. So once more when he sipped, he converted the magic waterfall. ये जो जादुई झरना था, gave the delicious sake. Delicious, बड़ा स्वादिष्ट सूप किसको दिया? बच्चे को. But for others it was a water. So to everyone else, हर व्यक्ति के लिए, it gave only water. So the story of Taro and his magic waterfall reached to the emperor of Japan. कहाँ reached? पहुंची. कहाँ तक पहुंची? किसके कानों तक पहुंची? Emperor of Japan, जापान के सम्राट तक. So he sent for Taro. उसने बुलाने के लिए कि एक बार उससे मिलने आओ, संदेश ले जा. And he rewarded पुरस्कार, rewarded means पुरस्कृत किया गया. यहाँ पर उसे इनाम दिया गया. Why? Because he was a thoughtful son. वो अपने मम्मी पापा की बहुत इज्जत करता था, प्यार करता था और हमेशा उनके लिए अच्छा चाहता था. एंड ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी ऑफ द टेरो. तो ही मींस बादशाह. बादशाह ने क्या करा? ही नेम्ड ऑफ द टेरो. उसने जो जापान के बहुत बड़े शहर में बड़ा सुंदर फाउंटेन था बिल्कुल बीच चौराहे पर, उसका नाम टेरो फाउंटेन रख दिया ताकि आने वाली दुनिया याद रखे कि टेरो नाम का एक बच्चा था जो अपने मम्मी पापा के लिए. ही लव्स पेरेंट. सो लव योर पेरेंट्स एंड केयर फॉर देम. उनके लिए वो मैजिक वाटरफॉल जो था, वो बच्चे के लिए तो वो सूप बन जाता था, दूसरों के लिए वाटरफॉल. इस नाम का एक वाटरफॉल रखा उसने, टेरोज वाटरफॉल, ताकि आने वाले बच्चे, आने वाली दुनिया ये याद रख सके. एंड दिस इज द एनकरेज all children to honor and obey their parents. कौन बोला? Emperor. वो बोला कि अगर मैं ये बच्चे का नाम रखूंगा ना टेरोस फाउंटेन, तो आने वाली दुनिया एनकरेज, उत्साहित होगी, राइट, उन्हें ज्यादा जोश मिलेगा कि एक ऐसा भी बच्चा था जिसने अपने पेरेंट्स के लिए एक जादुई मैजिक फॉल का ढूंढ निकाला जो पानी की जगह राइस सूप देता था. और सिर्फ किसको देता था? थॉटफुल सन, उन्हीं बच्चों को जो अपने मम्मी पापा की केयर करते हैं, इज्जत करते हैं. तो द मैसेज ऑफ द स्टोरी इज लव योर पेरेंट्स, यू ऑल्सो डू बेटर. अपने मम्मी पापा से प्यार करो एंड केयर फॉर देम, उनकी बहुत देखभाल करो क्योंकि एक समय के बाद उन्हें आपकी जरूरत पड़ने वाली है. आज भी उन्हें आपकी जरूरत है, आप उनका कहना मानिए और उनके साथ अच्छा व्यवहार. सो द स्टोरी इज कंप्लीटेड. Again, I'm telling you, message is love your parents and care for them. Thank you.